नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज तो दोस्तों एक खुटहा गांव है जो कि हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूरी पड़ता है। दोस्तों यहां पर एक सांप दिखा हुआ है और काफ़ी बड़ा है, तो इसको निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। तो दोस्तों काफ़ी देर से इसमें छुपा हुआ है और दोस्तों यहाँ के लोग काफ़ी भयभीत हैं और डरे हुए हैं। तो दोस्तों ऐसे में हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और इन्हें रेस्क्यू कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। वीडियो क्लास तक बने रहिए, आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये एक चायपत्ती की बोरी रखी गई है और दोस्तों इसी में चूहा की तलाश में कहीं से आकर के छुप गया है और इसमें कई बार दिखा है, तो ये लोग तुरंत हमारे घर पे आए और हमें बुला करके ले गए। तो दोस्तों इसको निकालते हैं, दिखाते हैं आपको वीडियो में। वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। दोस्तों ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नज़रें जमाए रखिए। तो दोस्तों इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हुई, सांप हमें दिख चुका है और इसे फटाक से रेस्क्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं। दोस्तों तो दोस्तों हमें काफ़ी दूर दूर से फ़ोन आता है इन बेजुबानों को बचाने के लिए दोस्तों और लोगों का मदद करने के लिए। तो दोस्तों हम काफ़ी दूर दूर तक जाते हैं और तो दोस्तों इन्हें सुरक्षित ढंग से रेस्क्यू करके जंगल में ले जाकर रिलीज करते हैं दोस्तों हम। और वीडियो में हमारा नंबर है दोस्तों, आप किसी भी नज़दीकी एक्सपर्ट को बुलाएं और इन्हें रेस्क्यू कराएं, इन्हें मारे नहीं दोस्तों, मारने से बड़ा बचाने वाला होता है। तो दोस्तों आप भी नहीं मारें और तो तुरंत किसी एक्सपर्ट को बुला करके आप और इन्हें रेस्क्यू करा दें। तो चलिए दोस्तों इसे निकालते हैं और आपको दिखाते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए आप। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा सांप है और काफ़ी दिनों से इसमें रह रहा था और ये चाय पत्ती है। और दोस्तों ये चूहा की तलाश में इसमें चला आया है। तो दोस्तों कभी भी चूहा ना मिलने पर कभी कभी मेढक को भी खा लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं बाहर की तरफ, आपको दिखाते हैं और इसके बारे में जानकारी देते हैं, तब तक हमारे वीडियो में बने रहिए आप दोस्तों। तो दोस्तों ये सांप जहरीला नहीं होते और इनके काटने पर कुछ होता नहीं है दोस्तों। अगर ये काट ले रहा है, आपको काट ले रहा है या बाइट कर दे रहा है, तो आप तुरंत किसी भी हॉस्पिटल में जा करके या किसी भी स्टोर से एक टैबलेट ले करके और खा करके ठीक हो सकते हैं आप। तो आपको डरने की और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। ये सांप नॉन वेनमस होते हैं, बिना जहर वाले सांप हैं, तो आपको घबराने और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आप इसको देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, काफ़ी बड़ा सांप है ये और दोस्तों काफ़ी दिनों से इसमें रह रहा था और चूहा हुआ की तलाश में इसमें अंदर चला आया था। तो दोस्तों आप ले चलते हैं इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रिलीज करेंगे दोस्तों। और इस तो दोस्तों इसे कहीं पर धामिन और कहीं पर घोड़पछाड़, तो कहीं पर अदबेसर, तो कहीं पर रेड स्नैक के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये सांप जहरीला नहीं होते और नॉन वेनमस होते हैं, तो इनके काटने पर कुछ होता नहीं है, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं दोस्तों। तो चलिए इसे पैक करते हैं, ले चलते हैं किसी दूर जंगल में रिलीज करेंगे, इन्हें पर्यावरण में छोड़ देंगे दोस्तों। सांपों को नहीं मारना चाहिए, आप भी नहीं मारें। और वीडियो में हमारा नंबर है, या किसी भी एक्सपर्ट को आप बुला करके तुरंत इसे रेस्क्यू करा दें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।